हेलो गाइज, वेलकम टू संजीवा ब्लॉग। आई होप लोग सब बढ़िया है और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक है। सो गाइज, आप लोग को स्वागत है आज की मेरी एक नई ब्लॉग में। आई होप आज की मेरे ब्लॉग आप लोग को पसंद आएगा। सो इस टाइम में मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। इस टाइम हो रहा है शाम, तो मैं अभी जा रही हूँ मार्केट में। थोड़ा मुझे सामान लेना है घर का, कुछ सब्जी वगैरह, और मेरा सारा कुछ ख़त्म हो चुका है, खाली हो चुका है, तो मुझे फ्रूट्स लेने जाना है, तो मैं वही लेने जा रही हूँ। सो अभी मैं फटाफट से जाके आती हूँ। उस दिन मैंने सामान मंगवाए थे और ऑनलाइन सामान मीशो से एक मंगवाए थे, कपड़ा दो मंगवाए थे। हाँ, तो ये आज एक आया है, तो मैं आपको इसमें क्या कमी है, वैसे मैं इसको ऑलरेडी ओपन करके देख चुकी हूँ, तो इसमें क्या कमी है तो वो मैं आपको दिखाऊँगी बाद में, आने के बाद बताऊँगी। इसमें कुछ कमी है, ये परफेक्ट नहीं है, तो मैं आके दिखाती हूँ आपको। अभी फ़िलहाल तो लेट हो जाऊंगी, मैं पहले जाके आती हूँ फटाफट से, क्योंकि आजकल शाम को बारिश आता है, तो इसलिए मैं बारिश आने से पहले फटाफट जाके आ जाती हूँ। और ये भी सामान मैंने नायका से मंगवाया, तो ये भी मैं आने के बाद ओपन करके देखती हूँ। सो गाइस, मैं दुकान से आ चुकी हूँ, लेकिन मैंने दुकान में शूट नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा हल्ला थे, और मैं जहाँ से फ्रूट्स लेता है वो तो बिल्कुल रास्ता में ही है, तो बहुत ज़्यादा हल्ला, तो फिर मैं शूट नहीं किया और फटाफट मैं लेके आ गई। मैं सिर्फ फ्रूट्स लेके आ गई हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भारी हो गए थे, मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था, तो सब्ज़ी भी मैंने नहीं लिया, तो आज के लिए हो जाएगा, आज रात के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी ऑनलाइन से चिकन मंगवा लिया था पंकज ने, तो ये आज मैं बनाऊँगी। इतना ज़्यादा पानी प्यास लग गए थे और थक बहुत गई। अभी मैं पी रही हूँ मिल्क, और मैंने दुकान से ये भी लेके आया, मुझे ये थोड़ा चाय का साथ या मिल्क का साथ मुझे पसंद है, और ये कोकोनट बिस्किट, तो ये लेके आया। तो मैं छत में थोड़ी देर के लिए आ गई हूँ टहलने के लिए, क्योंकि बस दुकान जाके फिर सुबह से मैंने चला ही नहीं है, थोड़ा यहाँ पे चलती हूँ, और यहाँ पे इतना अच्छा हवा आ रहा है, तो मैंने अभी मिल्क पीने के बाद आ गई हूँ ऊपर में। सो गाइस, मैं आ चुकी हूँ ऊपर से, थोड़ा आधा घंटा जितना टहल के आ गई हूँ मैं, और मैंने मीशो से ये मंगवाया था, ये आप देख सकते हैं, मैंने ये ओपन करके देख चुका है उसी टाइम में जब आया था उसी टाइम। कुर्ता तो बिल्कुल ठीक ठाक है, बहुत ही मतलब फिट है, और कपड़ा भी अच्छा है, मुझे अच्छा लगा, ये आप देख सकते हैं, मैंने ये एल साइज में मंगवाया था, बट कुर्ता में कोई कमी नहीं है। कमी है किस में, मैं बताती हूँ आपको, ये पैंट आप देख सकते हैं, ये इतना छोटा है, मतलब मेरा ये थाई से ये ऊपर घुस ही नहीं रहे, इतना छोटा है ये। लेंथ भी बिल्कुल ठीक ठाक है, मैंने नाप के देखा था, बट ये घुस ही नहीं रहे, तो मैं क्या कर सकती हूँ। वैसे तो कपड़ा मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ऊपर का नीचे का भी, लेकिन पैंट में कमी हो गया है। सो अभी मैं इसको रख के क्या करूँगी, क्योंकि ये मेरा कोई काम का तो है नहीं, मैं इसको लगा नहीं सकती, यूज़ नहीं कर सकती, तो आप मुझे इसको रिटर्न करना है वापस। और मैंने मंगवाया था आपका ये नायका से एक मास्कारा, और ये एक आईब्रो, और इस बार मैंने आईब्रो ब्राउन कलर का मंगवाया है। सो देखते हैं ब्राउन कलर का आईब्रो है कैसा लगता है, क्योंकि मैं हमेशा ब्लैक कलर लगाती हूँ, लेकिन ब्लैक कलर उतना ख़ास नहीं है, मेरे को खुद का इतना ख़ास नहीं लगता है, तो मैं सोचा मैं ब्राउन कलर का लगा के ट्राई करती हूँ, तो मेरा ऊपर में कैसा लगता है। और साथ में मैंने ममा अर्थ का ये एक लिप बाम मंगवाया है, सो मैंने अभी लगाया है, आप देख सकते हैं ये पिंक कलर का, ये आप देख सकते हैं। तो यही सामान था गाइस जो कि आज मैंने मंगवाया। तो अभी हो गया है, सारे सामान मैंने आपको दिखा दिया, अभी मैं जाती हूँ किचन में, और आज का रात का डिनर बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन, तो ये मैंने चिकन को अच्छे से धो दिया है, तो मैं चिकन को बनाने से पहले इसको फ्राई करूँगी पहले, तो मैंने कढ़ाई भी बिठा दिया है यहाँ पर, और अब मैं तेल डालती हूँ इतना। तो मैं चिकन में थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी मिक्स करूँगी। मैंने चिकन को मिक्स कर लिया है अच्छे से, और साथ साथ तेल भी गर्म हो गया।
आपका ये चिकन पक गया है, मतलब पका मीन्स पूरा प्रॉपर नहीं पका है, लेकिन जितना पकना चाहिए उतना हो गया है। तो मैं जितना फ्राई करना था उतना कर लिया। अभी इसको मैं अच्छा से तड़का लगाऊंगी, मतलब टमाटर का साथ इसको सब्जी बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने सारे मसाले लिया जो मुझे सब्जी में डालना है, और इसको मैं थोड़ा देर मिक्स करके पानी के साथ साइड में रख दूँगी। और मैंने इसमें क्या क्या मसाला रखा मैं आपको बता देती हूँ। मैंने हल्दी लिया 1 चम्मच, और ये लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, और चिकन मसाला 1/2 चम्मच लिया है। सो इसको मैं पूरा एक साथ थोड़ा सा पानी देके मिक्स किया इसमें, और आपका अदरक लहसुन पेस्ट भी जाएगा तो मैं उसको अभी ग्राइंड करना है, तो मैं पहले अदरक लहसुन पेस्ट ग्राइंड करूँगी। तो ये मैंने अदरक लहसुन पेस्ट भी कर लिया है, और अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी ये मसाले के साथ। तो ये आप देख सकते हैं ये एक साथ पूरा मिक्स हो गया है। साइड में मैंने प्याज काट के रखा है, और ये टमाटर। तो ये 3 चीज मैंने रेडी करके रख दिए, अब मैं बनाना स्टार्ट कर दी। तो चिकन फ्राई किया था उसी तेल में मैं सब्जी बनाऊंगी, तो इसलिए इसको मैंने सेंच नहीं किया है। अब मैं प्याज डालती हूँ, मैं इसमें डालूंगी ये मसाला जो मिक्स करके रखा। मैं थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसको थोड़ा डाल दूंगी, और अब हम इसको अच्छे से पका लेंगे। थोड़ा सा नमक देके अभी डालेंगे ये टमाटर, और इसको फिर से हम अच्छा से पकाएंगे। जब तक टमाटर अच्छा से पक नहीं जाता तब तक इसको पकाएंगे। तो अब देख सकते हो ये टमाटर का जो मसाला है तो अच्छा से पक चुका है। तो अब मैं इसमें डालूंगी चिकन। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, तो मैं अभी जो चिकन है इसको डाल देती हूँ। और अब हम इसको पकाएंगे अच्छा से। ऑलरेडी 1/2 तो चिकन पका हुआ है, तो इसमें और आप पकाएंगे लगभग 8-10 मिनट इतना। तो ऐसा ढक के रख देंगे। अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। तो ये आप देख सकते हैं जो चिकन है बिल्कुल पक के रेडी हो गया है, और इससे बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है। तो आज का चिकन पक के रेडी है। अभी मैं इसमें डालूंगी आपका धनिया। तो मैंने यहाँ पे धनिया काट के रखा हुआ है, सो इसको डाल लेते हैं। तो अब मैं इसको गैस ऑफ कर देती हूँ, और इसको ढक के सो गैस आज का मेरा डिनर पक के रेडी हो गया है, और मैंने साइड में चावल भी बिठा दिया था, तो चावल भी ऑलरेडी पक चुका है। तो अभी पंकज आया नहीं है, तो पंकज आने के बाद ही हम लोग खाएंगे डिनर। अभी मैं उसको वेट करती हूँ, थोड़ा सा इंतज़ार करती हूँ, और थक भी गया मैं थोड़ा सा। देखो आप मेरा फेस में देख सकते हैं कितना पसीना पसीना हो गया है। तो मैं अभी पंखा के नीचे थोड़ा देर बैठ के आराम करती हूँ। तो गैस हम लोग ने उस टाइम खाना वाना खा लिया था पंकज आने के बाद, और खाना खा के हम लोग टीवी देखने लग गए थोड़ी देर, और अभी हम लोग सोएंगे। सोने से पहले आज की इस वीडियो को मैं इतना में एंड करती हूँ। आई होप आज की मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आया। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट।